जय 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 वंदामी माता जी। माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए शंका समाधान करना चाहता हूँ। माता जी, अभी 10 लाख रूपये बहुत मन प्रभाव से लोग बार पूजा कर रहे हैं, श्रावक बहुत पूजा कर रहे हैं। पूजा के अंदर भी मैंने आज ही देखा सामग्री 8 प्रकार की, द्रव्य 8 प्रकार के हैं। तो बर्तन जो है पूजा के, किसी के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 8 है, तो क्या पूजा में बर्तन भी एक जैसे होने चाहिए माता जी, या संख्या एक ही होती है? और संख्या एक होती है तो द्रव्य और बर्तनों की संख्या एक होती है, तो उसके भाव क्या है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। वंदना भी बताइए। विजय जी, आपका क्वेश्चन यद्यपि ठीक है, परंतु आप ये समझने की कोशिश करें, पूजा द्रव्य से की जाती है ना कि बर्तन से। दूसरी बात यह है कि ये द्रव्य भी हमारे भाव को लगाने के लिए हैं। सभी द्रव्यों का उद्देश्य एक ही है, बर्तनों से कोई भी प्रयोजन नहीं है। कोई 14 बर्तन रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 8 रखता है, कोई 6 रखता है, कोई 5 रखता है, कोई 2 रखता है, और ना भी रखे तो हम कहेंगे तब भी पूजा हो सकती है। भावों के माध्यम से पूजा हो सकती है, द्रव के माध्यम से पूजा हो सकती है। तो अपन बर्तनों में ना उलझ करके भावों में जाएं, इससे कोई ज़्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे परिणामों की विशुद्धि हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, और परिणामों की विशुद्धि का माध्यम बनाने के लिए द्रव्य चढ़ाते हैं। और बर्तन हो तो व्यवस्थित होंगे, तो व्यवस्थित हमारा मन व्यवस्थित हो जाएगा। इन सब उद्देश्यों को लेकर बर्तन और द्रव्य आदि रखते हैं, परंतु वाकई में हम इस समय हमारा उद्देश्य जो है परिणाम विशुद्धि का है। बर्तनों का ऐसा आगम में उल्लेख कोई नहीं आया है कि आप 8 रखें या 10 रखें या 12 रखें या 14 रखें। आपकी विशुद्धि जितने में बढ़ती है उतनी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।